नमस्कार, हम जिस पुस्तक का सासुर पठन करने वाले हैं वो रामचंद्र श्रृंखला की दूसरी किताब सीता मिथिला की योद्धा है। वो जो आपको वापस ले जाती है शुरुआत से पहले, मैदान में एक अनाथ बच्ची मिलती है खूनी भेड़ियों में घिरी हुई एक गिद्ध के संरक्षण में। उसे शक्तिहीन और उपेक्षित साम्राज्य मिथिला के शासक गोद लेते हैं। किसी को नहीं लगा था कि वो बच्ची कुछ कर पाएगी, लेकिन वो गलत साबित हुए। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो सीता है। आइए अमीश की इस नई किताब के साथ वही ऐतिहासिक सफर शुरू करते हैं। रामचंद्र श्रृंखला किताब दो सीता मिथिला की योद्धा, लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 6। कौशिक ये अच्छा विचार नहीं है, देवोदास ने कहा। भरोसा करो मेरे भाई। कौशिक और देवोदास अपने गुरुकुल के बाहर कावेरी नदी के किनारे पर बड़े से लट्ठे पर बैठे थे। उम्र के तीसरे दशक में पहुंचे दोनों दोस्त सप्तऋषि उत्तराधिकारी महर्षि कश्यप के गुरुकुल में शिक्षक थे। बचपन में कौशिक और देवोदास एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। स्नातक के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। देवोदास ने गुड़ी शिक्षक की ख्याति अर्जित की और कौशिक ने शाही छत्री के रूप में नाम कमाया। दो दशक बाद दोनों एक साथ एक नामी संस्थान में मिले, इस बार शिक्षक के रूप में। बचपन की उनकी दोस्ती फिर से जीवित हो उठी। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के भाई समान थे। निजी रूप से वो अभी भी एक दूसरे को अपने छात्र दिनों के गुरुकुल नाम से ही बुलाते थे। ये अच्छा विचार क्यों नहीं है देवोदास, कौशिक ने पूछा। उनका भारी शरीर उत्तेजना से कुछ आगे झुका। वो वानरों के खिलाफ पक्षपाती हैं। हमें भारत के भले के लिए इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। देवोदास ने इनकार में अपना सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें एहसास था कि आगे की बातें तर्कहीन ही होंगी। वो कौशिक के जिद्दी स्वभाव को बदलने की पहले भी कोशिश कर चुके थे। ये दीवार में सिर पटकने समान था, सही विचार नहीं था। उन्होंने अपने पास रखा मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें दूध जैसा झागदार द्रव्य था। अपनी नाक पकड़कर उन्होंने घूंट भरा। छी, कौशिक अपने दोस्त की पीठ पर हाथ मारते हुए खिलखिलाकर हंस दिए। इतने सालों बाद भी इसका स्वाद घोड़े के मूत्र समान ही है। देवोदास ने हाथ के पीछे की तरफ से अपना मुंह साफ किया और मुस्कुरा दिए। तुम्हें कोई नई बात कहनी चाहिए थी, और वैसे तुम्हें कैसे पता कि इसका स्वाद घोड़े के मूत्र जैसा है? क्या तुमने कभी घोड़े का मूत्र पिया है? कौशिक ने जोर से हंसते हुए अपने दोस्त का कंधा पकड़ लिया। मैंने कई बार सोमरस पिया है, और मैं बता सकता हूँ कि उसका स्वाद घोड़े के मूत्र से भी बुरा होता है। देवोदास ने खुलकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ दोस्त के कंधे पर रख दिया। वे दोनों शांति से बैठे हुए पवित्र कावेरी नदी के प्रवाह को देखने लगे, जो उनके गुरुकुल मयूरम शहर से होते हुए गुजर रही थी। ये शहर समुद्र से थोड़ा दूर था और किसी बड़े गुरुकुल के लिए आदर्श था, जहाँ सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। इस गुरुकुल ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। समुद्र के नजदीक होने के कारण उत्तर में सप्त सिंधु के छात्र आराम से नौका के जरिए यहाँ आ जाते थे। इस तरह उन्हें नर्मदा नदी को उत्तर से दक्षिण में पार भी नहीं करना पड़ता था, जो कि एक बुरा अपशकुन माना जाता था। इसके अतिरिक्त ये गुरुकुल ऐतिहासिक भूमि संगम तमिल के करीब था। संगम तमिल पश्चिमी भारत की द्वारका के साथ पानी में समा गई थी, वैदिक संस्कृति की दो पैतृक भूमियों में से एक। ये सब चीजें छात्रों के लिए इस जगह के महत्व को और बढ़ा देती थी। देवोदास ने अपने कंधे सीधे किए, मानो कोई संकल्प कर लिया हो। कौशिक अपने दोस्त के इस अनकहे इशारे को समझ गए। क्या? देवोदास ने गहरी सांस ली। वो जानते थे कि इस बारे में बात करना कठिन था, लेकिन उन्होंने एक और बार कोशिश करने का फैसला किया। कौशिक, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिशंकु की मदद करना चाहते हो, और मैं तुमसे सहमत हूँ। उसे मदद की जरूरत है, वो भला इंसान है, शायद अपरिपक्व और स्वाभाविक, लेकिन एक अच्छा आदमी और कुछ नहीं। वो वायुपुत्र नहीं बन सकता, वो अपनी परीक्षा में असफल रहा है, उसे यह मानना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है या कहाँ पैदा हुआ है, बात उसकी योग्यता की है। वायुपुत्र पिछले महादेव प्रभुरुद्र की छोड़ी हुई प्रजाति थी। वो भारत के पश्चिमी सीमा के परे परिहा नामक स्थान पर रहते थे। वायुपुत्रों का काम अगले विष्णु, भले ही वो देव हो या देवी, के आगमन के समय उनकी मदद करना था। और हाँ, बुराई के सिर उठाने की हालत में उन्हीं में से किसी एक को अगला महादेव बन जाना था। कौशिक अपनी बात पर अड़े रहे। तुम जानते हो कि वायुपुत्र वानरों के प्रति असहनशील हैं। वानर और कावेरी के उत्तर में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी बड़ी शक्तिशाली और बैरागी प्रजाति थी। तुंगभद्रा कावेरी के उत्तर में एक उपनदी थी। प्रजाति देखने में बिल्कुल अलग लगती थी, नाटे गठीले और बलिष्ठ। उनमें से कुछ विशालकाय भी थे। उनके चेहरे पर बाल थे और दाढ़ी वाला फूला हुआ जबड़ा।
उनका मुंह आगे को निकला हुआ था और मुंह के आसपास की त्वचा चिकनी और बाल रहित थी। उनका रोएदार शरीर लगभग पूरी तरह झब्बरदार था। कुछ पूर्वाग्रही लोगों को वानर बंदर की तरह लगते थे और इसलिए वे उन्हें इंसानों से कमतर मानते थे। ऐसा कहा जाता था कि परिहा के दूर पश्चिम में भी ऐसी ही प्रजाति रहती थी। इनकी सबसे बड़ी और प्राचीन आबादी नियंडरथल या नियंडर की घाटी में भी पाई जाती थी। तुम किस तरह की असहनशीलता की बात कर रहे हो, दिवोदास ने पूछा। उनका हाथ प्रश्न पूछने के लिए उठ गया था। उन्होंने अपने घेरे में छोटे मारुति को भी स्वीकार किया था कि नहीं? मारुति भी वानर है, लेकिन उसके पास पहचान है, त्रिशंकु के पास नहीं। कौशिक नहीं रुके। त्रिशंकु मेरा वफादार है, उसने मुझसे मदद मांगी है, मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन कौशिक, तुम परिहा का अपने जैसा ही संस्करण कैसे बना सकते हो, ये समझदारी नहीं। तभी दूर से एक महिला की आवाज सुनाई दी, हे दिवोदास। कौशिक और दिवोदास ने मुड़कर देखा। वो नंदिनी थी, गुरुकुल की ही शिक्षिका और उन दोनों के मित्र। कौशिक ने गहरी दुखी नजरों से दिवोदास को देखा और धीरे से अपने दांत पीसे। गुरुजी, विश्वामित्र की आंख खुली और वो पुराने समय से वर्तमान में लौट आए। वो यादें एक शतक से भी पुरानी थी। क्षमा करें गुरुजी, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो, अरिष्ट नेमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन आप ही ने कहा था कि छात्रों के आने के बाद आपको बता दूं। विश्वामित्र उठ बैठे और अपना अंगवस्त्र सही किया। क्या सीता आ गई है? जी गुरुजी। श्वेत केतु दूर कोने में रखे आसन पर बैठे थे। खुले चौक में बैठे अपने 25 छात्रों को देख रहे थे। वे सचमुच प्रफुल्लित थे। विश्वामित्र पीपल के पेड़ के गिर्द बने चबूतरे पर बैठे थे। वो जगह शिक्षक के लिए नियत थी। महान मलय पुत्र प्रमुख आज उनके छात्रों को पढ़ाने वाले थे सिर्फ एक ही कक्षा में। ये श्वेत केतु और उनके छात्रों के लिए सम्मान की बात थी। गुरुकुल के शिक्षक और मलय पुत्र श्वेत केतु के पीछे खामोशी से खड़े थे। आप लोगों ने हमारे महान प्राचीन साम्राज्य के बारे में सुना है, विश्वामित्र ने पूछा, और उनके उत्थान व पतन के बारे में भी? सभी छात्रों ने हाँ में सिर हिलाया। तो ठीक है, आप में से कोई मुझे बताए कि महान सम्राट भरत के वंशजों के साम्राज्य के पतन की क्या वजह रही? जो साम्राज्य सदियों तक फलता फूलता रहा वो महज दो पीढ़ियों में ही खत्म हो गया, क्यों? काम्र राजा ने अपना हाथ उठाया। श्वेत केतु की आह निकल गई। हाँ, विश्वामित्र ने पूछा। गुरुजी, उन पर विदेशियों ने हमले किए और उसी समय वे अंदरूनी विद्रोहियों से भी जूझ रहे थे। वो उन कंचों की तरह थे जिनसे हम खेलते हैं। हर कोई एक दूसरे को बार बार मार रहा था, तो ऐसे में साम्राज्य कहाँ बच पाता, काम्ल ने जवाब दिया। इतना कहकर काम्ल बेवकूफों की तरह हंसने लगा, जैसे उसने मानव इतिहास का सबसे मजेदार उपहास किया हो। बाकी सब लोग खामोश रहे। पीछे के कुछ छात्रों ने शर्मिंदगी से अपने सिर नीचे कर लिए। विश्वामित्र ने रूखे भाव से काम्ल को घूरा। इसी भाव से उन्होंने श्वेत केतु को भी देखा। ऐसा पहली बार नहीं था कि श्वेत केतु के मन में इस लड़के को घर वापस भेजने की इच्छा सिर उठा रही हो। वो सच में अजीब और अनियंत्रित बालक था। विश्वामित्र ने काम्ल को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और फिर से अपना सवाल दोहराया, इस बार सीधे सीता को देखते हुए। लेकिन मिथिला की राजकुमारी ने जवाब नहीं दिया। भूमि, आप जवाब क्यों नहीं देती, विश्वामित्र ने उनका गुरुकुल वाला नाम लेते हुए पूछा। क्योंकि मैं सुनिश्चित नहीं हूं गुरुजी, विश्वामित्र ने पहली पंक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ आओ बच्चे। पिछली बार मिथिला से आने के बाद सीता अकेले रहने पर ही जोर देती थी। वो अक्सर कक्षा में पीछे बैठती। उनकी दोस्त राधिका ने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब सीता आगे आई तो विश्वामित्र ने उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर वो उनकी आंखों में देखने लगे। बहुत कम मुनियों के पास आंखों के माध्यम से इंसान का मन पढ़ने की योग्यता होती है। विश्वामित्र उन दुर्लभ मुनियों में से एक थे। बताओ मुझे, विश्वामित्र ने अपनी आंखों से उनका मन पढ़ते हुए कहा, भारत सम्राट भरत के वंशजों का यूं अचानक विघटन क्यों हो गया? सीता बहुत असहज महसूस कर रही थी। उनका मन वहां से उठकर भाग जाने को कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो ऐसे महर्षि का अपमान नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने जवाब देने का निर्णय किया। भारत की बहुत बड़ी सेना थी, वो आराम से अनेक युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन उनके योद्धा वो बेकार थे। विश्वामित्र ने सीता के विचारों को पूरा करते हुए कहा, और वो बेकार क्यों थे? उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, न प्रशिक्षण की, न उपकरणों की और न हथियारों की। सीता ने कभी समीची से सुनी हुई बात दोहरा दी, बात हथियारों की नहीं है बल्कि उनके इस्तेमाल की है। विश्वामित्र अनुमोदन में मुस्कुराए। और उनके योद्धा हथियारों के उपयोग में असमर्थ क्यों थे?
ये मत भूलो कि उनके हथियार उनके दुश्मनों के हथियारों से ज्यादा अत्याधुनिक थे। सीता ने इस बारे में नहीं सोचा, वो खामोश रही। पतन के समय के भारत समाज का वर्णन करो, विश्वामित्र ने कहा। सीता इसका जवाब जानती थी। वो शांतिपूर्ण समाज था, उदारवादी और विनम्र समाज। कला, संस्कृति, संगीत, संवाद, वाद विवाद के लिए वो समाज उन्नत था। वो न सिर्फ अहिंसा का पालन करते थे बल्कि उसे पूजते थे। मौखिक और शारीरिक रूप से वो एक आदर्श समाज था, स्वर्ग की तरह सत्य है। लेकिन कोई था जिसके लिए वो समाज जहन्नुम था। सीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहा था, कौन? विश्वामित्र ने उनका मन यूं ही पढ़ लिया मानो उन्होंने जोर से अपना सवाल पूछ लिया। उन्होंने जवाब दिया, योद्धा। योद्धा? योद्धाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? उन्हें क्या चीज प्रेरित करती है? क्या उन्हें शक्ति संचालित करती है? हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो गर्व के लिए, अपने देश के लिए और कानून के लिए लड़ते हैं। लेकिन इसी तरह वो भी लोग होते हैं जो हत्या के लिए सामाजिक अनुमति चाहते हैं। अगर उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिले तो ऐसे लोग आसानी से अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं। बहुत से महान योद्धा जिन्हें मानवता पूछती है सामाजिक पतित के रूप में याद किए जाने से नाम मात्र को ही बच पाते हैं। क्या चीज उन्हें अपराधी होने से बचाकर सिपाही बना देती है? जवाब है, योद्धाओं की संहिता, हत्या करने की सही वजह। बच्चे के लिए यथार्थता के सामने समर्पण करती कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल होता है। आखिरकार सीता महज 13 साल की ही तो थी। योद्धा प्रशंसा और नायक की तरह पूजे जाने के भूखे होते हैं। इनके बिना युद्ध की भावना और युद्ध की संहिता दम तोड़ देती है। दुखद रूप से भारत समाज में अपने सिपाहियों को तिरस्कृत करके उनके काम को हेय नजरों से देखा जाने लगा। सेना की हर गतिविधि की जोरदार ढंग से निंदा की जाती। हिंसा का कोई भी रूप, यहाँ तक कि धार्मिक हिंसा का भी विरोध किया गया। युद्ध भावना को किसी शैतानी शक्ति के रूप में देखकर उसे भी नियंत्रित किया गया। ये यही नहीं रुका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित किया गया जिससे मौखिक हिंसा पर भी लगाम लग सके। असहमतियों को हतोत्साहित किया गया। भारत साम्राज्य के वासियों को लगा कि इसी तरह पृथ्वी पर स्वर्ग बनाया जा सकता था, ताकतवर को कमजोर करके और कमजोर को ताकतवर बनाकर। विश्वामित्र की आवाज बहुत धीमी हो गई, मानो वो सीता से ही बोल रहे हों। पूरी सभा को गहन ध्यान लगाकर उनकी बात सुननी पड़ रही थी। सार रूप में, भारत साम्राज्य के वासियों ने अपने क्षत्रिय वर्ग को जबरदस्त रूप से प्रतिबंधित किया। पुरुषत्व को प्रभावहीन किया गया। प्राचीन काल के अहिंसा और प्रेम के उपदेश देने वाले महामुनियों को खूब सम्मान दिया गया और उनके उपदेशों का प्रचार किया गया। लेकिन जब विदेशी भूमि से कट्टर हमलावर आने लगे तो भारत के ये अहिंसा प्रिय स्त्री पुरुष उनके युद्ध का जवाब देने में सक्षम नहीं रह गए थे। ये सभ्य लोग विदेशों से आए बर्बर योद्धाओं के लिए कमजोर कड़ी बनकर रह गए। व्यंग से हंसते हुए विश्वामित्र ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अनपेक्षित ढंग से भारत साम्राज्य के लोगों के प्रेम संदेशों का हिरण्यलोमन मलेच्छ योद्धाओं के लिए कोई महत्व नहीं था। उनके प्यार का जवाब नरसंहार से दिया गया। वो गवारू लोग थे जो अपना साम्राज्य बनाने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा को तहस नहस कर दिया। आंतरिक विरोधों ने इस आग में घी का काम किया। गुरुजी, आप कह रहे हैं कि विदेशी हैवानों से लड़ने के लिए हमें हमारे हैवानों की जरूरत होती है? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि समाज को किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। इसे हमेशा प्रतिस्पर्धी आदर्शों में संतुलन बिठाने का प्रयास करना चाहिए। समाज से अपराधियों को हटाया जाना चाहिए और अर्थहीन हिंसा पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन योद्धा की भावना को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसा समाज मत बनाओ जो पुरुषत्व को नीचा दिखाए। किसी भी चीज की अति जीवन में असंतुलन लाती है। आप नहीं जानते कि कब बदलाव की हवा चल जाए, कब हमारे समाज को बचाने के लिए हिंसा की जरूरत आन पड़े, या अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही। वहां गहन सन्नाटा था। अब समय आ गया था। विश्वामित्र ने वो सवाल पूछा जिससे वो संवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या सप्त सिंधु के आत्मसमर्पण और रावण को यूं उन्हें हरा देने में भी कोई अतिवाद था? सीता ने सावधानी से सवाल को सोचा। हाँ, व्यापारिक वर्ग के प्रति नफरत और बेचैनी। बिल्कुल सही। अतीत में योद्धाओं में कुछ शैतान होने की वजह से भारत साम्राज्य के वासियों ने समग्र क्षत्रिय जीवन शैली पर प्रहार किया। वो तर्कहीन रूप से अहिंसक बन गए। ऐसे भी समाज हुए जिन्होंने ब्राह्मण जीवन शैली पर प्रहार किया और गर्व से गैर बौद्धिक बन गए। लेकिन उनके कुछ ब्राह्मण तंग दिमाग, उच्छिष्ट वर्गवादी और एकांतवादी थे। और हमारे समय में सप्त सिंधु ने खुद व्यापार को तुच्छ दिखाया, क्योंकि उनके कुछ व्यापारी स्वार्थी, आडंबरपूर्ण और धन हड़पने वाले हो गए थे। हमने धीरे धीरे व्यापार को अपने हाथों से जाने दिया और अपने समाज को बुरे पूंजीपतियों को सौंप दिया। कुबेर और फिर रावण ने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया और स्वाभाविक रूप से आर्थिक शक्ति उनके पास चली गई।
कच्छप का युद्ध तो बस औपचारिकता थी, उस लंबे ऐतिहासिक प्रचलन पर मुहर लगाने के लिए एक समाज को हमेशा संतुलन का लक्ष्य रखना चाहिए। इसमें बौद्धिक योद्धाओं, व्यापारियों, कलाकारों और हस्त कारीगरों सभी की जरूरत होती है। अगर ये एक समूह को ज्यादा सक्षम बनाए और दूसरे को कम, तो इससे कोलाहल ही बढ़ना होता है। सीता को अपने पिता की धर्म सभा में सुनी कोई बात याद आई। मैं सिर्फ एक ही वाद में यकीन करती हूँ, वो है यथार्थवाद, ये चारवाग दार्शनिक ने कहा था। क्या तुम चारवाग दर्शन को मानती हो? विश्वामित्र ने पूछा। चारवाग दर्शन का नाम इसके प्राचीन संस्थापक और अनीश्वरवादी के नाम पर रखा गया था, जो यथार्थवाद में यकीन रखते थे। वो पवित्र गंगा के स्रोत गंगोत्री के समीप रहते थे। चारवाग सिर्फ भौतिक अनुभवों से महसूस की जाने वाली चीजों पर ही यकीन करते थे। उनके अनुसार न कोई आत्मा है, न ही कोई परमात्मा, ये शरीर ही एकमात्र सच्चाई है, जो तत्वों का मिश्रण है, जो मरणोपरांत वापस तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। वे वर्तमान में जीते हुए अपने जीवन का आनंद लेते थे। उनके प्रशंसक उन्हें उदारवादी, व्यक्तिवादी और गैर आलोचनात्मक के रूप में देखते थे। दूसरे हाथ पर उनके आलोचक उन्हें अधर्मी, स्वार्थी और गैर जिम्मेदार मानते थे। नहीं गुरुजी, मैं चारवाग को नहीं मानती। अगर मैं यथार्थवादी हूँ तो मुझे दर्शन के हर रूप को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके उस भाग को स्वीकार करना चाहिए जिनका मेरे लिए कुछ मतलब हो, और जो बेमतलब हो उन्हें नकार देना चाहिए। मुझे ऐसे किसी भी दर्शन से ज्ञान लेना चाहिए जो मेरे कर्मों को संपूर्ण करता हो। विश्वामित्र मुस्कुराए। होशियार, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत होशियार। अध्याय 7। सीता तालाब के पास बैठे हुए न्याय सूत्र पढ़ रही थी, जो भारतीय दर्शन न्याय दर्शन का परिचय था। विश्वामित्र को ऋषि श्वेतकेतु के गुरुकुल में आए हुए कुछ महीने बीत चुके थे। भूमि, राधिका ने सीता के गुरुकुल नाम को पुकारते हुए कहा, तुम्हारे घर से कोई तुमसे मिलने आया है। सीता ने झुंझलाते हुए आह भरी, वो इंतजार नहीं कर सकते। वो ऋषि श्वेतकेतु से पूछने के लिए सवालों की सूची तैयार कर रही थी। अब इस काम में देर हो जानी थी। समीची घाट के पास सब्र से खड़ी थी सीता का इंतजार करते हुए। उनके पीछे 10 आदमियों का दल खड़ा था, वो उनके मातहत थे। समीची अब झुग्गी से आई लड़की नहीं रह गई थी। पुलिस बल में भर्ती होने के बाद उसने वहां तेजी से पदोन्नति की सीढ़ियां चढ़ी थी। सब जानते थे कि शाही परिवार उन्हें पसंद करता था। मिथिला की झुग्गी से राजकुमारी सीता को बचाने की वजह से वो उनका ऋणी था। उनकी उपस्थिति में लोग संयमित व्यवहार करते थे। किसी को भी उनकी सही उम्र नहीं पता थी, यहाँ तक कि समीची को भी नहीं। देखने से वो 20 के दशक की शुरुआत में लगती थी। उनकी उम्र की गैर शाही महिला के लिए पुलिस बल में उच्च स्थान प्राप्त करना गर्व की बात थी, लेकिन फिर उन्होंने राजकुमारी को बचाया था। समीची, आवाज पहचान कर समीची गुर्राई। ये वही बदतमीज लड़का था कामराज। दौड़ कर आने के कारण उसकी सांस फूल गई थी उत्साह से। किसी ने बताया कि तुम यहाँ हो, मैं दौड़ कर यहाँ आ गया। समीची ने 12 साल के लड़के को देखा, उसने हाथों में एक गुलाब पकड़ा हुआ था। समीची ने आंखें सिकोड़ी और उसे धक्के देकर भगा देने की भावना को दबाया। मैंने तुम्हें बताया, मुझे लगा तुम्हें गुलाब पसंद आएगा, कामल ने शर्माते हुए कहा। पिछली बार यहाँ आने पर मैंने तुम्हें फूलों की खुशबू का मजा लेते देखा था। समीची रुखाई से फुसफुसाई, मुझे किसी तरह की खुशबू में दिलचस्पी नहीं है। बिना हार माने कामल ने अपना हाथ आगे किया और अपनी उंगली दिखाई, जिससे खून निकल रहा था। उसकी सहानुभूति हासिल करने का बेकार प्रयास। उसने फूल तोड़ने से पहले खुद कांटों से अपनी उंगली को घायल कर लिया था। जब उसे यह प्रयास भी काम आता नहीं लगा तो उसने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए। तुम्हारे पास मेरी उंगली के लिए कोई औषधि है? समीची दोनों के बीच में कुछ अंतर रखने के लिए थोड़ा पीछे हटी। ऐसा करते हुए वो एक पत्थर से टकरा कर लड़खड़ा गई हल्का सा। कामल उसे पकड़ने के लिए भागा। बेचारा लड़का सच में उसकी मदद करना चाहता था। आगे की घटना बड़ी तेजी से घटित हुई। समीची गुस्से से चिल्लाई लड़के की बाह मरोड़ते हुए और जोर से उसे एक लात जमाई। कामल आगे की तरफ गिर पड़ा। समीची ने अपनी कोहनी उठाकर उसे जोर से मारा। लड़के की नाक टूट गई तुरंत ही। कामल ने अपनी खून बहती नाक को पकड़ा और समीची गुस्से से दहाड़ी, मुझे कभी हाथ मत लगाना। अब कामल जोर से रो रहा था। वो डर से दुबका हुआ जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ कांपता हुआ। पुलिस वालों ने आगे आकर लड़के के उठने में मदद की। उन्होंने चोरी छुपे डरी हुई नजरों से अपने नेता को देखा। सबके मन में एक ही ख्याल था, ये सिर्फ एक बच्चा है, उन्हें हो क्या गया है? समीची के पथराए हुए चेहरे पर अफसोस की कोई झलक नहीं थी। उन्होंने एक मिथिला के पुलिस वाले को हाथ हिलाते हुए इशारा किया, इस पागल को दफा करो यहाँ से।
पुलिस वाला लड़के को सहारा देकर ले जाते हुए गुरुकुल के वैद्य को देखने चला गया। दूसरे पुलिस वाले घबराए हुए से वापस घाट पर आकर खड़े हो गए। हवा में अपनी नेता के बारे में अनकहे शब्दों का भारीपन था। समीर जी के साथ कोई तो समस्या है। समीर जी, पेड़ों के बीच से आती सीता को देखने के लिए सभी मुड़े और समीर जी ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। खुलकर मुस्कुराते हुए वो आंखों में प्यार भरे आगे भागे। कैसी हो तुम समीर जी, सीता ने अपने दोस्त को गले लगाते हुए पूछा। इससे पहले कि समीर जी कुछ जवाब दे पाती, सीता कुछ दूरी पर खड़े पुलिस वालों की ओर मुड़ी और अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते की। पुलिस वालों ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए नमस्ते की। पता नहीं हमेशा तुम्हारे आदमी इतने डरे हुए क्यों दिखाई देते हैं, सीता फुसफुसाई। समीर जी ने दांत पीसते हुए अपना सिर हिलाया और सीता का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से कुछ दूर ले गई। उन्हें छोड़ो राजकुमारी, समीर जी ने स्नेह के साथ मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना समीर जी, सीता ने कहा, जब हम एकांत में हो तो मुझे सीता बुलाया करो, राजकुमारी नहीं। और वैसे भी अब तो कोई भी मुझे राजकुमारी नहीं समझता। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे तो आपके मिथिला की राजकुमारी होने पर कोई संदेह नहीं है। सीता ने अपनी आंखें घुमाई। हाँ सही है, राजकुमारी मुझे भेजा गया है। सीता ने समीर जी को टोका। सीता, राजकुमारी नहीं, क्षमा करना सीता, आपको घर आना ही होगा। सीता ने आह भरी। तुम जानती हो समीर जी, मैं नहीं आ सकती, पहले ही मैं माँ को बहुत परेशान कर चुकी हूँ। सीता, अपने साथ ऐसा मत करो, चाचा वाली घटना के बारे में सब जानते हैं, जब मैंने उनकी शाही मुहर तोड़ दी थी। सीता ने कुशध्वज के पिछली बार मिथिला आने की घटना को याद करते हुए कहा। तब से वो माँ और मिथिला को परेशान किए ही जा रहे हैं, सब उसका दोष मुझे देते हैं, और ये सही भी है, मुझे बस दूर रहना चाहिए। सीता, आपके माता पिता आपको याद करते हैं, रानी सुनैना बहुत बीमार है, आपको जरूर आना, माँ को कुछ नहीं होगा, वो शक्तिशाली महिला है। तुम ये सब बस मुझे गुरुकुल छोड़कर घर आने के लिए कह रही हो, लेकिन ये सच है। सच ये है कि माँ को उर्मिला और राजकाज पर ध्यान लगाना चाहिए। तुम तो जानती ही हो कि बाबा खुद में लीन रहते हैं, तुमने खुद मुझे बताया है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उन्हें परेशानी बढ़ाने के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है। सीता, बस बहुत है, सीता ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। सीता, चलो छड़ी अभ्यास करते हैं, चल रही हो ना, विषय बदलने के लिए ही ना, समीर जी ने सोचा। चलो ना, सीता कहते हुए वहां से मुड़कर चली गई। समीर जी उसके पीछे चल दी। विश्वामित्र मलय पुत्र के गंगा आश्रम में अपनी सादी सी कुटिया में पद्मासन में बैठे थे। वो ध्यान लगा रहे थे अपने दिमाग से सारे ख्यालों को हटाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आज वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने एक सीटी की ध्वनि सुनी थी और तुरंत ही इसे पहचान लिया। ये पहाड़ी मैना की आवाज थी, मधुर आवाज का धनी पक्षी जो सीटी बजा सकता था, गीत गाता था, चीखता था और नकल भी उतार सकता था। ये अपने घर से इतनी दूर यहाँ क्या कर रही है इस समतल क्षेत्र में, उनका मन अतीत की एक घटना पर चला गया, जब उन्होंने एक बार और किसी अनजान जगह पर मैना का स्वर सुना था। कमाल है, मन किस तरह विचरण करता है, इतनी तेज और इतना निश्चित। दशकों पहले के उस दिन की याद आज अचानक मन में सजीव हो उठी है। ये उस दिन की याद थी जब उन्होंने अपने भूतपूर्व परम मित्र वशिष्ठ के अयोध्या के राजगुरु बनने की खबर सुनी थी। विश्वामित्र को अपने दिल में सिकुड़न का एहसास हुआ, गुस्से से, दर्द से। धोखेबाज, मैंने उसके लिए कितना किया। उनका मन ठीक उसी पल में पहुंच गया जब उन्होंने ये खबर सुनी थी आश्रम में। विश्वामित्र की आंखें अचानक खुल गईं। प्रभु परशुराम कृपा करें। उन्हें याद आ गया वो चेहरा उन्होंने कहां देखा था, सीता का चेहरा। वो मुस्कुराए, इससे उनके निर्णय को और बल मिला। धन्यवाद प्रभु परशुराम, आपने मेरा मन मुझे राह दिखाने के लिए ही भटकाया था। गुरुजी, अरिष्ट नेमी फुसफुसाए। वो मुख्य जहाज के कटघरे में विश्वामित्र के सामने खड़े थे। वे पांच जहाजों के दल में थे जो पवित्र गंगा में से होते हुए उस खास पदार्थ को खोजने जा रहे थे जिसका पता उनके गोताखोरों ने लगाया था। इससे वो शक्तिशाली हथियार असुरास्त्र पर उपलब्धि हासिल कर सकते थे और वायुपुत्रों पर भी उनकी निर्भरता कम हो जाती। सदियों पहले प्रभु रुद्र पिछले महादेव ने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिव्य अस्त्रों के इस्तेमाल से पहले वायुपुत्रों का अनुमोदन आवश्यक था, वो प्रभु रुद्र के जीवित प्रतिनिधि जो थे। ये बात विश्वामित्र को असहज करती थी। महर्षि ने अपनी योजना बनाई थी, ऐसी योजना जिसमें शायद असुरास्त्र का इस्तेमाल किया जाना था। वो जानते थे कि वायुपुत्र ये पसंद नहीं करेंगे। त्रिशंकु वाली घटना के बाद से वो उन्हें बस इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
आखिरकार विश्वामित्र मलयपुत्र प्रमुख जो थे। हालांकि खोज की प्रक्रिया धीमी और उबाऊ थी, लेकिन विश्वामित्र को यकीन था कि समय आने पर पदार्थ मिल ही जाएगा। अब अपनी योजना के अगले चरण पर काम करने का समय आ गया था। उन्हें विष्णु का चयन करना था। उन्होंने अपने भरोसेमंद सेनापति अरिष्टनेमी को अपनी पसंद बता दी थी। तुम असहमत हो? विश्वामित्र ने पूछा। वो असाधारण रूप से समर्थ है गुरुजी, इस पर कोई संदेह नहीं है। इस छोटी उम्र में भी इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन अरिष्टनेमी की आवाज लड़खड़ा गई। विश्वामित्र ने अपना हाथ अरिष्टनेमी के कंधे पर रखा। खुलकर बोलो, मैं वास्तव में तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। गुरुजी, मैंने कुछ समय उन्हें ध्यान से देखते हुए बिताया है। मुझे लगता है कि वो बहुत विद्रोही हैं। मुझे नहीं लगता कि मलयपुत्र उन्हें संभाल पाएंगे या नियंत्रित कर पाएंगे। हम कर लेंगे, उनका कोई नहीं है। उनके शहर ने उनका त्याग कर दिया है, लेकिन उनमें महान बनने की योग्यता है। वो महान बनना भी चाहती है। इस रास्ते में हम उनके साथ ही बनेंगे, लेकिन क्या इसके साथ साथ हमें दूसरे उम्मीदवार नहीं तलाशने चाहिए? तुम्हारे भरोसेमंद आदमियों ने मिथिला में उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली है ना, और ज्यादातर जानकारी उत्साहजनक ही है। लेकिन एक लड़की को मिथिला की झुग्गी में लगभग जान से मार देने का मामला भी है, वो भी महज 8 साल की उम्र में। मैं उस घटना को उनकी जीवित बचे रहने की योग्यता के रूप में देखता हूँ। तुम्हारे जांचकर्ताओं ने यह भी बताया था कि वो लड़का संभवतः अपराधी था। वो अपने तरीके से लड़ी, भले ही वो उम्र में छोटी थी। ये सकारात्मक बात है, उनमें युद्ध भावना है। क्या उनका कायरों की तरह मर जाना तुम पसंद करते? नहीं गुरुजी, अरिष्टनेमी ने कहा, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या और कोई उम्मीदवार भी हो सकता है जिसे हम चुन पाते। तुम निजी रूप से लगभग सारे भारत के शाही परिवारों को जानते हो। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से बेकार हैं, स्वार्थी, कायर और कमजोर। और उनकी अगली पीढ़ी, शाही बच्चे और भी बुरे हैं। वो अनुवांशिक कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। अरिष्टनेमी हंसे। कुछ देशों की बदकिस्मती होती है कि ऐसे महत्वहीन सभ्यजनों को ढोते रहें। अतीत में हमारे पास महान नेता रहे हैं, और भविष्य को भी हम महान नेता ही देंगे। ऐसा नेता जो भारत को इसके वर्तमान दलदल से बाहर ला सके। ऐसा नेता आम जन में क्यों नहीं हो सकता? हम बहुत समय से तलाश कर रहे हैं। ये प्रभु परशुराम की ही इच्छा है कि अब हम एक का चयन कर लें। और मत भूलो, सीता सिर्फ दत्तक शाही है, उनके वास्तविक माता पिता अनजाने ही हैं। विश्वामित्र ने अरिष्टनेमी को नहीं बताया कि सीता के जन्म के विषय में उन्हें क्या संदेह था। अरिष्टनेमी अपनी झिझक से बाहर आ चुके थे। मैंने सुना था कि अयोध्या के राजकुमार विश्वामित्र का क्रोध देखकर मलयपुत्र सेनापति को अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी। उनका क्षणिक साहस भी हवा में कहीं फुर्र हो गया। अरिष्टनेमी ने वास्तव में अयोध्या के राजकुमारों के बारे में सकारात्मक खबरें सुनी थी, खासकर राम और भरत के बारे में। राम 9 वर्ष से कुछ कम के थे, लेकिन वशिष्ठ अयोध्या के राजगुरु थे, और वशिष्ठ ऐसा विषय थे जिनके बारे में बात करने से अरिष्टनेमी को बचना चाहिए था। वो सांप अयोध्या के राजकुमारों को अपने आश्रम में ले गया है, विश्वामित्र ने खौलते क्रोध से कहा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उनका आश्रम कहाँ है, उसने उसे गुप्त रखा है। अगर मैं नहीं जानता तो किसी को भी ये नहीं पता होगा। वो सांप अयोध्या के राजकुमारों को अपने आश्रम में ले गया है, विश्वामित्र ने खौलते क्रोध से कहा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसका आश्रम कहाँ है, उसने उसे गुप्त रखा है। अगर मैं नहीं जानता तो किसी को भी ये पता नहीं होगा। अवकाश पर अयोध्या वापस लौटने पर ही हमें चारों राजकुमारों के बारे में कुछ सुनने को मिलता है। अरिष्टनेमी बुत बने खड़े थे, अपनी सांस थामे। मैं जानता हूँ कि वशिष्ठ का दिमाग कैसे काम करता है। एक बार मैंने उसे अपना मित्र समझने की भूल की थी, वो भी किसी जुगत में होगा, राम या भरत में से किसी एक पर। गुरुजी, कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती। लंका में हमारा काम असावधानी से खत्म, रावण ने अपना काम कर दिया। विश्वामित्र ने उन्हें बीच में टोका। ये मत भूलो, और वो उसी दिशा में चल रहा है जहाँ हम चाहते हैं। वो सब हमारे काम आ जाएगा। लेकिन गुरुजी, क्या वायुपुत्र मलयपुत्रों का विरोध कर सकते हैं? अगला विष्णु चुनना तो हमारा अधिकार है, न कि अयोध्या के उस राजगुरु का। सारी निष्पक्षता दिखावा है। उस चूहे की मदद करने के लिए वायुपुत्र कुछ भी करेंगे, मैं जानता हूँ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। जी गुरुजी, और अगर उन्हें उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षित करना है तो वो काम अब शुरू कर देना चाहिए। जी गुरुजी, सीता ही विष्णु होगी, विष्णु का उदय मेरे कार्यकाल में ही होगा। समय आ गया है, इस देश को एक नेता की जरूरत है। हम अपने प्यारे भारत को इस अंतहीन पीड़ा में झुलसने नहीं दे सकते। जी गुरुजी, मुझे कप्तान को भी बता देना चाहिए, अरिष्टनेमी ने कहा। हाँ, तो मुझे कहाँ ले जा रही हो राधिका? सीता ने उनका हाथ पकड़कर ले जाती सखी से मुस्कुराकर पूछा। वो गुरुकुल से दक्षिण की ओर घने जंगल में जा रहे थे। हनु भैया,
थोड़े ही वृक्षहीन क्षेत्र में प्रवेश करते ही सीता खुशी से चिल्ला दी। हनुमान अपने घोड़े के पास खड़े उस थके हुए पशु की गर्दन सहला रहे थे। घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ था। मेरी बहने, हनुमान ने स्नेह से कहा। विशालकाय प्राणी उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने दोनों को स्नेह से बाहों में भर लिया। और तुम दोनों कैसी हो? आप बहुत दिनों के लिए दूर चले गए थे, राधिका ने शिकायत की। जानता हूँ, मुझे अफसोस है, मैं विदेश में, हनुमान ने आह भरी। आप कहाँ जाते रहते हो? सीता ने पूछा। उन्हें हनुमान का रहस्यमय जीवन बहुत उत्साहित करता था। इन कामों पर आपको भेजता कौन है? सही समय आने पर मैं आपको बताऊंगा सीता, लेकिन अभी नहीं। हनुमान घोड़े की पीठ पर बंधी खुरजी तक गए और उनमें से सोने का बना खूबसूरत सा हार निकाला। उसकी शैली से ही वो विदेशी मालूम पड़ रहा था। राधिका खुशी से चिल्ला दी, तुमने सही अंदाजा लगाया। हनुमान ने हार को उसे देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। राधिका हाथों में बार बार उलट पलट कर देखते हुए हार की शैली की तारीफ करने लगी। और मेरी गंभीर बहन के लिए? हनुमान ने सीता से कहा, जो आपको हमेशा से चाहिए था। सीता की आंखें हैरानी से फैल गईं। एक मुखी रुद्राक्ष? रुद्राक्ष शब्द का मतलब स्वयं प्रभु रुद्र के अक्ष ही है। वास्तव में ये भूरे रंग का अंडाकार बीज है। महादेव प्रभु रुद्र के सभी भक्त रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। यह रुद्राक्ष को अपने पूजा घर में रखते हैं। एक सामान्य रुद्राक्ष बीज में बहुत सी रेखाएं होती हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को दुर्लभ माना जाता है। इसकी सतह पर बस एक ही रेखा होती है। इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है और बेशकीमती भी। प्रभु रुद्र की भक्त सीता के लिए अनमोल था। हनुमान ने मुस्कुराकर दोबारा अपना हाथ खुरजी में डाला। अचानक घोड़ा बेचैन होकर घबराने लगा। उसके कान आगे पीछे फड़फड़ाने लगे। पल भर में ही उसकी सांसें फूलने लगी, घबराहट को दर्शाते हुए। हनुमान ने सावधानी से आसपास देखा और उन्होंने खतरे को भांप लिया। बहुत धीरे से, बिना किसी चेतावनी के, उन्होंने राधिका और सीता को अपने पीछे खींच लिया। लड़कियां जानती थी कि ऐसे में कुछ बोलना सही नहीं था। वो भी खतरे को महसूस कर सकती थी। कुछ तो गलत था। अचानक हनुमान ने जोर से चीत्कार की, जैसे गुस्से में बंदर करते हैं। पेड़ के पीछे छिपा बाघ समझ गया था कि उनको चकमा देने से वो चूक गया था। वो धीरे से बाहर आया। हनुमान ने अपने कमरबंद में बंधी म्यान में से घुमावदार कटार निकाली, खूंखार गोरखों की खुखरी की शैली में बनी हुई कटार। बस इसका फलक सीधा नहीं था, ये बीच में से मोटी थी और फिर वो मोटा भाग नीचे की तरफ मुड़ जाता था, किसी ढलावदार कंधे की तरह। मूठ के अंत तक धारदार फलक दांतेदार हो जाती थी। उसका आकार गाय के पैर जैसा था। इसका खास मकसद था, इससे फलकों पर लगा खून नीचे जमीन पर गिरता था, बजाय कि हत्थे के जरिए पकड़ने वाले के हाथों तक पहुंचकर उन्हें रपटवा बनाता। गाय के पैर की आकृति का महत्व था कि इस हथियार का इस्तेमाल किसी भी पवित्र गाय को मारने में नहीं किया जाएगा। उसका हत्था हाथी दांत का बना था। उसके आधे में मूठ के हर भाग से अहिर भाग उभर रहा था। वहाँ मध्यमा और अनामिका के मध्य एक अवलंब सा था, जो बेहतर पकड़ के काम आता था। खुखरी पर आगे हाथ फिसलने से बचाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। कम दक्षता वाले योद्धा का हाथ रपटकर इसके फलक पर जाने का डर था। इससे चाकू चलाने वाले का अपना ही हाथ घायल हो सकता था। लेकिन कोई भी बुद्धिमान आदमी हनुमान को कम दक्षता वाला नहीं कह सकता था। मेरे पीछे ही रहना, हनुमान ने लड़कियों को धीरे से कहा, जब बाघ उनकी तरफ बढ़ने लगा। हनुमान अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर झुककर संतुलन बनाते हुए खड़े हो गए, आगे होने वाली घटनाओं के इंतजार में, अपनी सांसों को स्थिर करते हुए। बाघ जोर से दहाड़ा, इतनी तेज कि कानों के पर्दे फट जाएं, और उसने आगे की तरफ छलांग लगाई, अपने पिछले पैरों का सहारा लेकर अगली टांगे उठाते हुए। विशालकाय हनुमान को अपनी पकड़ में लेने के लिए तैयार। उसका बड़ा सा मुंह खुला और वो सीधा हनुमान के गले पर लपका। बाघ का तरीका दृढ़ था, अपने भारी वजन के साथ मनुष्य पर छलांग लगाओ, अपने पंजों से उसे जमीन पर गिराओ और बाकी का काम खत्म करने के लिए अपने जबड़ों पर विश्वास रखो। किसी कमतर दुश्मन पर तो ये कारगर हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से उसने शक्तिशाली हनुमान पर हमला कर दिया था। विशालकाय नागा का डील डॉल लगभग बाघ जितना ही बड़ा था। एक पैर पीछे करके उन्होंने अपनी रीढ़ को मोड़ा, अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों को खींचा और अपने पैरों पर डटे रहे। अपने बाएं हाथ से उन्होंने बाघ का गला पकड़ते हुए उसके खतरनाक जबड़ों को दूर कर दिया। हनुमान ने बाघ को अपनी पीठ नोचने दी, इससे कम नुकसान होता। उन्होंने अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा, अपने कंधे की मांसपेशियों को खींचते हुए अपनी खुखरी बाघ के पेट में उतार दी। फलक के बेरहम दांत आराम से अंदर उतर गए। जानवर दर्द से दहाड़ा, उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। हनुमान ने गहरी सांस भर दाहिनी ओर से लगे उस कटाव को और नीचे उतारकर उस जानवर के पेट को चीर दिया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, विभत्स लेकिन प्रभावशाली। उस चाकू ने जानवर के सिर्फ पेट के अंगों को ही नहीं काटा, बल्कि थोड़ा रीढ़ को काटते हुए अंदर की सुरक्षित नसों को भी काट दिया। बाघ की आंतें कटे हुए उधर से बाहर निकल आईं, इससे उसकी पिछली टांगें लकवे से जड़ हो गईं।
हनुमान ने जानवर को पीछे धकेल दिया, वो जमीन पर जा गिरा, वो जमीन पर जाकर गिरा गुस्से से अपने आगे की टांगों को हर दिशा में फेंकता हुआ। हनुमान उसके पंजे से लगे बात के घावों से बच सकते थे अगर वो उसके कमजोर पड़ने का इंतजार करते और उसके अगले पैरों को नीचे गिरने देते, लेकिन जानवर दर्द से तड़प रहा था। वो अपनी तकलीफ को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। हनुमान उसके समीप झुके, बाघ के पंजे उनके कंधों में गड़ रहे थे। नागा ने अपना चाकू जानवर के सीने में उतार दिया, फलक उसके दिल में गहरे तक उतर गया और फिर उसकी आत्मा शरीर से आजाद हो गई। हनुमान ने अपना चाकू बाहर निकाल लिया और धीमे से प्रार्थना की, तुम्हारी आत्मा फिर से अपना मकसद हासिल करे भले पशु। ऐसा होता रहता है राधिका, हनुमान ने कहा, हम जंगल के बीच में हैं, यहाँ तुम्हें और क्या मिलेगा। राधिका अभी भी डर से कांप रही थी। सीता ने खुरजी से जल्दी से दवाइयां निकाली और हनुमान के घावों पर मलहम लगाने लगी। वो घाव जानलेवा तो नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ गहरे थे। सीता ने एक दो घावों को टांका भी लगा दिया। उन्हें उस वृक्ष रहित क्षेत्र में कुछ ऊर्जा देने वाली बूटियां भी मिल गई, जिन्हें उन्होंने पत्थर पर पीसकर पानी के साथ पीने के लिए हनुमान को दिया। हनुमान ने दवाई लेकर अपना मुंह हाथ से पोंछकर सीता को देखा। वो घबराई हुई नहीं है, वो भयभीत भी नहीं है, ये लड़की कुछ खास। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि बाघ को इतनी आसानी से पस्त किया जा सकता है, सीता फुसफुसाई। मेरे कद ने मेरी मदद की, हनुमान हंसे। आपको भरोसा है कि आप घुड़सवारी कर पाओगे? आपके घाव गंभीर तो नहीं है? लेकिन मैं यहाँ तो वैसे भी नहीं रुक सकता, मुझे वापस जाना ही होगा, अपने और किसी रहस्यमय प्रयोजन पर मुझे जाना होगा। आपको जो करना है वो करो हनु भैया, हनुमान मुस्कुराए। अपना रुद्राक्ष मत भूल जाना। सीता खुरजी तक गई और उसमें से रेशम की थैली निकाली। उन्होंने धीरे से उसे खोला और सावधानी से एक मुखी रुद्राक्ष उठा लिया। वो हैरानी से उसे देखने लगी, फिर सम्मान से उसे माथे पर लगाया और संभाल कर अपने कमरबंद से बंधी थैली में रख लिया। अध्याय 8। श्वेत केतु को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस साल महर्षि विश्वामित्र दूसरी बार उनके गुरुकुल में आए थे। जैसे ही मलय पुत्रों ने उनके दरवाजे से प्रवेश किया, वो खुद दौड़कर उन्हें लेने गए। नमस्ते महर्षि, श्वेत केतु ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। उनके हाथ सम्मान में जुड़े हुए थे। नमस्ते श्वेत केतु, विश्वामित्र ने कहा और इतनी ही मुस्कान दी जिससे उनका मेजबान निराश ना हो। कितने सम्मान की बात है कि आप इतनी जल्दी हमारे गुरुकुल में पधारे। हाँ, विश्वामित्र ने आसपास देखते हुए कहा, ये बदकिस्मती है कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए मेरे छात्र यहाँ नहीं है, श्वेत केतु ने कहा। उनके भावों से सच में अफसोस झलक रहा था। ज्यादातर छात्र अवकाश पर गए हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो यहाँ होंगे। हाँ गुरुवर, एक सीता यहाँ है और मैं सीता से मिलना चाहूंगा। जी जरूर। सीता महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके लंगर डाले हुए प्रमुख जहाज के छज्जे पर खड़ी थी, गंगा की तरफ मुंह किए। विश्वामित्र गुरुकुल के उत्सुक शिक्षकों की नजरों से दूर एकांत चाहते थे। सीता और विश्वामित्र से कुछ दूरी पर प्रमुख जहाज के ऊपरी भाग पर मलय पुत्र पंडित ईंटों से छोटा सा हवन कुंड बना रहे थे। सीता दुविधा में थी, महर्षि मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? सीता, अब आप कितने साल की हो? गुरुजी, मैं जल्द ही 14 साल की हो जाऊंगी। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे लगता है हम अभी शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं गुरुजी? विश्वामित्र ने गहरी सांस ली। क्या आपने विष्णु की स्थापना के बारे में सुना है? जी गुरुजी। मुझे बताओ आप क्या जानती हो? ये उपाधि महान नेता को दी जाती है जो भगवान का प्रचारक होता है। वो अपने लोगों को जीवन की नई शैली में ले जाते हैं। हमारे वैदिक युग में 6 विष्णु हुए हैं। पिछले विष्णु थे प्रभु परशुराम। जय परशुराम, जय परशुराम। तुम और क्या जानती हो? विष्णु सामान्यतः महादेव के साथ साझेदारी में काम करते हैं। महादेव जो बुराई के विनाशक हैं। महादेव अपने जीवन विशेष में अपने कर्म पूरा हो जाने के बाद अपने प्रतिनिधियों के रूप में एक प्रजाति छोड़ जाते हैं। पिछले महादेव प्रभु रुद्र की प्रजाति वायुपुत्र है, जो दूर परिहा में रहते हैं। हमारे समय के विष्णु उनके साथ साझेदारी में काम। ये साझेदारी कोई इतनी जरूरी नहीं है, विश्वामित्र ने उन्हें टोका। सीता खामोश हो गई हैरानी से, ये तो उन्हें नहीं पता था। आप और क्या जानती हैं? मैं जानती हूँ कि पिछले विष्णु प्रभु परशुराम भी अपनी प्रजाति छोड़कर मैं जानती हूँ कि पिछले विष्णु प्रभु परशुराम भी अपनी प्रजाति छोड़कर गए हैं मलय पुत्र। और आप महर्षि जी, मलय पुत्र प्रमुख हो,
और अगर हमारे युग के अंधेरों से लड़ने के लिए विष्णु का आगमन होता है तो आप ही होंगे। आप गलत कह रही हैं। सीता ने त्योरी चढ़ाई असमंजस में। अपने आखिरी वाक्य में जो अवधारणा आपने बनाई है वो गलत है, विश्वामित्र ने समझाया। हाँ, मैं मलयपुत्र प्रमुख हूँ, लेकिन मैं विष्णु नहीं हो सकता। मेरा काम अगले विष्णु का निर्धारण करना है। सीता ने खामोशी से सिर हिलाया। आपको क्या लगता है भारत की वर्तमान में मुख्य समस्या क्या है? अधिकांश लोग कहेंगे रावण, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी। विश्वामित्र मुस्कुराए। क्यों नहीं? रावण सिर्फ समस्या का लक्षण है, वो समस्या नहीं है। अगर रावण नहीं होता तो कोई और हमें यातनाएं दे रहा होता। समस्या हम में ही है कि हम खुद का शोषण होने देते हैं। रावण भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन अगर हम रावण उतना शक्तिशाली भी नहीं है जितना सप्त सिंधु के लोग उसे मानते हैं, लेकिन उसने अपनी खुद की बनाई हुई दैत्य की छवि सामने रखी। यही छवि दूसरों को डराती है, लेकिन वो छवि हमारे लिए भी फायदेमंद है, विश्वामित्र ने कहा। सीता आखिरी वाक्य को समझ नहीं पाई थी और विश्वामित्र ने समझाया भी नहीं। तो आप कह रही हैं कि रावण सिर्फ लक्षण है, तो वो क्या समस्या है जो आज सप्त सिंधु को खाए जा रही है? सीता अपने विचारों को एक रूप देने के लिए रुकी। मैं इस सवाल को तभी से सोच रही हूँ जब से आप पिछली बार गुरुकुल आए थे गुरुजी। आपने कहा था कि समाज को संतुलन की जरूरत होती है, उसे बौद्धिक, योद्धा, व्यापारी और हस्त कारीगरों सभी की जरूरत होती है, और आदर्श रूप से किसी एक वर्ग को दबाया भी नहीं जाना चाहिए, कि उन सब में एक न्यायपूर्ण संतुलन होना चाहिए। और तो फिर समाज असंतुलन की तरफ क्यों बढ़ जाता है? मैं यही सोच रही थी। असंतुलन तब होता है जब लोग अपने आंतरिक गुणों के हिसाब से जीवन नहीं जी पाते। ये तब होता है जब किसी समूह को दबाया या कम करके आंका जाता है, जैसे आज के समय में सप्त सिंधु में वैश्यों के साथ हुआ। इससे वैश्य गुण वाले लोग हताश और नाराज हो गए। ये तब भी होता है जब आपको अपनी मनमर्जी का नहीं बल्कि अपने अभिभावकों या परिवार का व्यवसाय ही अपनाना पड़े। रावण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन स्पष्टता वो ब्राह्मण बनना नहीं चाहता था, वो स्वभाव से क्षत्रिय था। ऐसा ही जरूर सीता ने समय रहते अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन विश्वामित्र सीधे उनकी आंखों में देखते हुए उनके भावों को पढ़ रहे थे। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ। मैं जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन ब्राह्मण बनना चाहता था। गुरुजी, आप जैसे लोग दुर्लभ होते हैं। अधिकांश लोग परिवार व समाज के दबाव के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन इससे उनमें गहन निराशा जमा हो जाती है। ये दुखी और नाराज लोग असंतुलित व असंतुष्ट जीवन जीते हैं। इसी तरह समाज भी इसे झेलने लगता है। इसे ऐसे क्षत्रिय मिलते हैं जो पराक्रमी नहीं होते और अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते। इसे ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं जिनकी योग्यताएं शल्य चिकित्सा या मूर्तिकार की हो सकती थी, और फिर ऐसे ही नाकाबिल शिक्षक भी मिल जाते हैं और आखिरकार समाज का पतन हो जाता है। आपने समस्या को ठीक पहचाना है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? मैं नहीं जानती। कोई अकेला कैसे समाज को बदल सकता है? हम कैसे इस जन्म आधारित जाति प्रथा को बदल सकते हैं जो हमारी भूमि को बर्बाद कर रही है? मेरे मन में समाधान है, सीता ने जवाब का इंतजार किया। अभी नहीं, विश्वामित्र ने कहा, एक दिन जरूर समझाऊंगा जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगी। अभी हमें एक अनुष्ठान पूरा करना होगा। अनुष्ठान? हाँ, विश्वामित्र ने कहा, और वो यज्ञ कुंड की तरफ मुड़े जो जहाज के ऊपरी भाग पर बना था। सात मलयपुत्र पंडित जहाज के एक ओर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। विश्वामित्र का संकेत पाकर वो भी यज्ञ कुंड की तरफ चल दिए। आओ, विश्वामित्र ने सीता को चलने का इशारा किया। यज्ञ कुंड अपरंपरागत पद्धति से बना था, या कम से कम सीता तो इससे अवगत नहीं थी। इसकी बाहरी दीवार वर्गाकार थी जो ईंटों से बनी थी, अंदरूनी दीवार वृत्ताकार थी जो धातु से निर्मित थी। यह यज्ञ कुंड एक प्रकार के मंडल का प्रतिनिधित्व करता है, आध्यात्मिक सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण। विश्वामित्र ने सीता को समझाया। वर्गाकार मेढ़ पृथ्वी का प्रतीक है जिस पर हम रहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं चार दिशाओं को दर्शाती हैं। वर्ग के अंदर का स्थान प्रकृति को दर्शाता है। ये असंस्कृत और निर्जन है। इसके अंदर का वर्ग चेतन की राह को दिखा रहा है, परमात्मा की राह को। विष्णु का कार्य अपने जमीनी जीवन के अंदर के परमात्मा को तलाशना ही है। विष्णु भगवान तक पहुँचने के मार्ग को रोशन करते हैं, दुनिया से बैरागी होकर नहीं, बल्कि हमारी महान भूमि से अथाह और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ। जी गुरुजी, आप वर्ग के दक्षिण की ओर बैठोगी।
सीता विश्वामित्र द्वारा बताए आसन पर बैठ गई। मलय पुत्र प्रमुख उत्तर की तरफ पीठ और सीता की तरफ चेहरा करके बैठे। एक मलय पुत्र पंडित ने अंदरूनी वृत्ताकार घेरे में अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने अग्नि देवी को समर्पित एक मंत्र पढ़ा। सीता विश्वामित्र द्वारा बताए गए आसन पर बैठ गई। मलय पुत्र प्रमुख उत्तर की तरफ पीठ और सीता की तरफ चेहरा करके बैठे। एक मलय पुत्र पंडित ने अंदरूनी वृत्ताकार घेरे में अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने अग्नि देवी को समर्पित एक मंत्र पढ़ा। यज्ञ त्याग विषयक आदान प्रदान का द्योतक होता है। आप अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं और बदले में मंगल कामना पाते हैं। पवित्र अग्निदेव इंसान और दैवीय के बीच होने वाले इस आदान प्रदान के साक्षी होते हैं। विश्वामित्र ने अपने हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़े। ऐसे ही सीता ने भी। वो बृहदारण्यक उपनिषद से एक श्लोक उच्चारित करने लगे। सीता और सात मलयपुत्र पंडित भी उनके साथ उच्चारण करने लगे। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मुझे और पूरे विश्व को शांति 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 प्रदान करें। विश्वामित्र ने अपने कमर से बंधी थैली में से छोटी सी म्यान निकाली। उसे सम्मान से अपनी हथेली में पकड़कर उसमें से चांदी की छोटी सी खुखरी निकाली। उन्होंने उसके किनारे पर अपनी उंगली फिराकर देखा, फलक के सिरे तक धार थी। उन्होंने मूठ पर लगा हुआ निशान देखा, सब सही था। उन्होंने आग के ऊपर से वो खुखरी सीता को दे दी। इसे उत्तर से दक्षिण दिशा में ही दिया जाना था। इस यज्ञ पर खून से मोहर लगाई जाएगी। विश्वामित्र ने कहा, जी गुरुजी। सीता ने ससम्मान दोनों हाथों से खुखरी पकड़ते हुए कहा। विश्वामित्र ने दोबारा अपनी थैली में हाथ डालकर दूसरी छोटी म्यान निकाली। उन्होंने दूसरी खुखरी बाहर निकाली और उसकी धार को जांचा पूरी तरह तेज। उन्होंने सीता को देखा। खून सिर्फ अंदरूनी वृत्ताकार घेरे में ही गिरना चाहिए। किसी भी हालत में यह धातु और ईंटों के बीच बने स्थान पर नहीं गिरना चाहिए, स्पष्ट है? जी गुरुजी। दो मलय पुत्र पंडित कपड़ों के दो टुकड़े लेकर खामोशी से उनकी तरफ बढ़े और एक कपड़ा विश्वामित्र को और एक सीता को दे दिया। दोनों कपड़े नीम के कीटाणुनाशक द्रव्य में डूबे हुए थे। अगले निर्देश का इंतजार किए बिना सीता ने धारदार खुखरी को अपनी बाई हथेली में रखा और फलक के ऊपर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर एक तुरंत और स्पष्ट हरकत से खुखरी को बाहर खींच लिया। उसकी धार से अपनी त्वचा काटते हुए पवित्र अग्नि में खून की धार गिरने लगी। उन्होंने उफ तक नहीं की। अरे, हमें बस एक बूंद खून की जरूरत थी, विश्वामित्र ने चिल्लाकर कहा। एक छोटी सी बूंद काफी होती। सीता ने स्थिरता से विश्वामित्र को देखा। उन्होंने कीटाणुनाशक कपड़े को अपने घायल हाथ पर रखा बड़ी सावधानी से, जिससे खून की कोई और बूंद ना गिरे। विश्वामित्र ने खुखरी के किनारे को जल्दी से अपने अंगूठे में चुभाया। उन्होंने अपना हाथ यज्ञ कुंड की अंदरूनी सीमा के अंदर रखा और अंगूठा दबाया, जिससे खून की एक बूंद अग्नि में गिर जाए। सीता ने भी अपने बाएं हाथ से कपड़ा हटाते हुए अपना खून अग्नि में गिरने दिया। विश्वामित्र ने स्पष्ट आवाज में कहा, पवित्र अग्नि को साक्षी मानते हुए मैं वचन लेता हूँ कि मैं प्रभु परशुराम के प्रति अपने वचन का सम्मान करूंगा हमेशा, अपनी आखिरी सांस तक और उसके बाद भी। सीता ने भी शब्द दोहराए, बिल्कुल वही, जय परशुराम, विश्वामित्र ने कहा। जय परशुराम, सीता ने दोहराया। उनके गिर्द जमा मलय पुत्र पंडितों ने भी जयकार लगाया, जय परशुराम। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। सीता ने भी अपने हाथ को पीछे लेकर उस पर कीटाणुनाशक घोल में भीगा कपड़ा लपेट लिया। एक मलय पुत्र पंडित उनके पास आए और कपड़े को मजबूती से उनके हाथ पर बांध दिया, जिससे खून का प्रवाह रुक सके। अनुष्ठान हो गया। विश्वामित्र ने सीता को देखते हुए कहा, अब मैं मलय पुत्र हूँ, सीता ने उम्मीद से पूछा। विश्वामित्र हैरान दिखे। उन्होंने सीता की खुखरी की तरफ इशारा किया, अपनी खुखरी पर बने निशान को देखो। सीता ने चांदी की खुखरी उठाई। उसके धारदार किनारे उनके खून में डूबे हुए थे। उन्होंने मूठ की जांच की। उस पर तीन अक्षर गुदे हुए थे। प्राचीन काल के मुनियों ने अपनी बुद्धिमानी से सुझाया था कि प्राचीन संस्कृत लिखित लिपि में नहीं होनी चाहिए। उन्हें भय था कि लिखे हुए शब्द बोले हुए शब्दों के समान गौड़ रह जाएंगे, कि ये अवधारणा समझने की दिमागी योग्यता को कम कर देंगे। ऋषि श्वेतकेतु दूसरी ही बात बताते थे। मुनियों ग्रंथों को लिखने से ज्यादा वाचिक इतिहास में रहने पर इसलिए वरीयता देते थे कि जब बदलाव का समय आए तो उसे आसानी से बदला जा सके। ग्रंथों को लिखने से उनके रूढ़ हो जाने की संभावना थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, तथ्य ये था कि सप्त सिंधु में लेखन की महत्ता नहीं थी। परिणाम स्वरूप ऐसी बहुत सी लिपियां थी जो देश भर में प्रचलित थी, ऐसी लिपि जो समय और स्थान के अनुसार अपना रूप बदलती रही। एक मानक लिपि विकसित करने का कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। मूठ पर लिखे शब्द सामान्य लिपि में थे, जो सरस्वती नदी के ऊपरी क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती थी। सीता उसे पहचानती थी। ये प्रतीक परशुराम का प्रतिनिधित्व करता था।
इस तरफ से नहीं सीता, विश्वामित्र ने कहा। इसे पलट कर देखो। सीता ने खुखरी को पलटा, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मछली का प्रतीक पूरे भारत की लिपियों में सबसे सामान्य है। एक विशाल मछली ने प्रभु मनु और उनके समूह की बचने में मदद की थी, जब समुद्र उनकी भूमि को लील रहा था। प्रभु मनु ने आदेश दिया था कि बड़ी मछली को पहले विष्णु की उपाधि प्रभु मत्स्य से सम्मानित किया जाएगा। मछली का प्रतीक विष्णु के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। यही प्रतीक चिन्ह विश्वामित्र की खुखरी की मूठ पर था, लेकिन सीता की मूठ पर जो प्रतीक था वो संशोधित संस्करण था। बेशक वो एक मछली थी, लेकिन उसके सिर पर ताज सुशोभित था। बिना ताज की मछली का प्रतीक दर्शाता था कि आप विष्णु के अनुयायी हो, लेकिन ताज वाली मछली का मतलब था कि आप खुद विष्णु थे। सीता ने दुविधा से विश्वामित्र को देखा। ये खुखरी आपकी ही है सीता, विश्वामित्र ने नरमाई से कहा। अध्याय 9। श्वेत केतु के गुरुकुल में छात्रों के कमरे बहुत साधारण थे, उन्हें सामान्य माहौल में रखने के लिए। प्रत्येक छात्र को एक बिना खिड़की की कच्ची सी झोपड़ी रहने के लिए दी गई थी, जिसमें एक पलंग कुछ कपड़े टांगने की खूंटी और पढ़ाई का सामान भर रखने की जगह थी। झोपड़ी में कोई दरवाजा नहीं था, खाली चौखट थी। सीता बिस्तर पर लेटी मलयपुत्र जहाज पर हुई पिछले दिन की घटनाएं याद कर रही थी। उन्होंने हाथ में वही खुखरी पकड़ी हुई थी। उनसे उनका हाथ कटने का डर नहीं था, क्योंकि वो सुरक्षा से म्यान में रखी हुई थी। उनकी आंखें बार बार उसके मूड पर जा रही थी और उसकी सदा पर गुदे हुए खूबसूरत प्रतीक चिन्ह पर। विष्णु, मैं? विश्वामित्र ने कहा था कि जल्द ही उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। कुछ ही महीनों में उनकी गुरुकुल छोड़ने की उम्र हो जाएगी, फिर उन्हें मलयपुत्रों की राजधानी भारत के दक्षिण में अगस्त्यकूटम ले जाया जाएगा। उसके बाद उन्हें भेष बदलकर पूरे भारत की यात्रा करनी होगी। विश्वामित्र चाहते थे कि वो इस धारा को समझें, जिसका एक दिन उन्हें नेतृत्व करना था। अपने मलयपुत्रों के साथ मिलकर वो उन्हें मार्गदर्शन देने वाले थे। इस बीच वो और विश्वामित्र मिलकर अगले कार्य की योजना बना लेंगे, जीवन की नई शैली की। ये सब बहुत भावपूर्ण था। देवी, सीता बिस्तर से उतरकर चौखट तक आई। कुछ ही दूरी पर जटायु खड़े थे। देवी, उन्होंने दोहराया। सीता ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। जटायु जी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, कृपया आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे बस मेरे नाम से पुकारिए। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप तो... जटायु खामोश हो गए। मलयपुत्रों को सख्त निर्देश दिए गए थे, कोई भी सीता को अगले विष्णु की उपाधि से संबोधित नहीं करेगा। इसकी घोषणा सही समय आने पर ही की जाएगी। यहाँ तक कि सीता को भी इसके बारे में किसी से बात करने से मना किया गया था, और वैसे वो किसी से यह कहना भी नहीं चाहती थी। वो इस उपाधि से घबराहट महसूस कर रही थी, डरी हुई थी। ठीक है, फिर आप मुझे अपनी बहन बुलाइए। जटायु मुस्कुराए। ये सही है बहन, आप क्या बात करना चाहते हैं? जटायु जी, अब आपका हाथ कैसा है? सीता ने दूसरे हाथ से नीम की पट्टी बंधे अपने हाथ को छुआ। खून बहाने के नाम से मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गई। जी, अब मैं ठीक हूँ, सुनकर अच्छा लगा, जटायु ने कहा। वो स्वभाव से थोड़े संकोची थे। धीरे से सांस लेकर उन्होंने बोलना शुरू किया। आप उन कम लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुझसे अच्छे से बर्ताव किया, मलयपुत्रों को छोड़कर। यहाँ तक कि प्रभु विश्वामित्र ने भी आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था। कुछ महीने पहले सीता ने जटायु को खाना परोस दिया था, क्योंकि उनका चेहरा उनकी जिंदगी बचाने वाले उस सभ्य गिद्ध से मिलता था, लेकिन उन्होंने ये बात उन्हें नहीं बताई। आप संभवतः इस नई परिस्थिति के बारे में अनिश्चित होंगी, जटायु ने कहा। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कुछ मलयपुत्रों को सीता को विष्णु के रूप में चुने जाने पर संदेह था, लेकिन उनमें अपने विकट प्रमुख को चुनौती देने का साहस नहीं था। सीता ने खामोशी से सिर हिलाया। और ज्यादा मुश्किल ये होगा कि आप इस बारे में मलयपुत्र के अलावा और किसी से बात नहीं कर सकती। हाँ, सीता मुस्कुराई। अगर आपको कभी भी कोई सलाह या किसी से बात करने की जरूरत हो तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। आज से आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी टुकड़ी और मैं हमेशा आपके आसपास ही रहेंगे, जटायु ने अपने पीछे इशारा करते हुए कहा। कुछ दूरी पर लगभग 15 आदमी खड़े थे। मैं मिथिला या कहीं और सार्वजनिक रूप से आपके सामने आकर आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, जटायु ने कहा। मैं समझता हूँ कि मैं नागा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपसे कुछ ही फासले पर रहूंगा। अब से मैं और मेरे लोग हमेशा परछाई की तरह आपके साथ रहेंगे। आप कभी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते, जटायु जी, सीता ने कहा। सीता, मिथिला की राजकुमारी ने बाई ओर देखा, वहां अरिष्ट नेमी थे। सीता, अरिष्ट नेमी ने कहा, गुरुजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्षमा करें जटायु जी, सीता ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा।
जटायु ने भी अभिवादन किया और सीता अरिष्टनेमी के पीछे चली गई। जब वो नजरों से ओझल हो गई, जटायु ने झुककर उनके चरणों की धूल को माथे से लगा लिया। फिर उन्होंने सीता के जाने की दिशा में देखा। वो महान आत्मा है, आशा करता हूँ देवी सीता गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच की लड़ाई के में मोहरा बनकर ना रह जाए। 2 महीने बीत चुके थे। मल्लपुत्र अपनी राजधानी अगध से कूटम को कूच कर गए थे। निर्देशानुसार सीता अपना अधिकांश समय मल्लपुत्रों द्वारा दिए पाठ को पढ़ने में व्यतीत कर रही थी। उसमें पिछले विष्णुओं का इतिहास संग्रहित था, प्रभु नरसिम्हा, प्रभु वामन, प्रभु परशुराम और अन्य। वो चाहते थे कि वो उनके जीवन से सीख ले, उनकी चुनौतियों से, और कैसे उनसे ऊपर आकर उन्होंने अच्छाई का नया रास्ता बनाया। उन्होंने इस काम को पूरी गंभीरता से लिया और गुप्तता का भी पूरा ध्यान रखा। आज वो छोटे से तालाब के किनारे बैठी थी, जहाँ ज्यादा छात्र आते जाते नहीं थे, इसलिए अड़चन आने पर वो झुंझला गई। भूमि, तुम्हें अभी गुरुकुल के मुख्य चौक पर चलना होगा, राधिका ने सीता का गुरुकुल नाम पुकारते हुए कहा। तुम्हारे घर से कोई आया है? उन्होंने नाराजगी से अपना हाथ हिलाया। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सीता, राधिका ने जोर से कहा। सीता ने मुड़कर देखा, उनकी दोस्त सच में नाराज लग रही थी। तुम्हारी माँ यहाँ आई है, तुम्हें चलना होगा अभी। सीता धीरे धीरे गुरुकुल के मुख्य चौक की तरफ बढ़ी। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। गुरुकुल के घाट के रास्ते में 2 हाथी बंधे हुए थे। वो जानती थी कि उनकी माँ को अपने साथ हाथी लाना पसंद था। सुनैना के यहाँ आने पर वो और सीता हाथी पर बैठकर जंगल की सैर करते थे। सुनैना को खुली प्रकृति के बीच अपनी बेटी को पशुओं के बारे में बताना पसंद था। सीता की जानकारी में सुनैना किसी और से अधिक पशुओं के बारे में जानती थी। जंगल के वो सफर सीता की सबसे सुखद यादों में से थे। उस सफर में वो अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण साथियों के साथ होती थी, धरती माँ और उनकी अपनी माँ। उनके सीने में दर्द हुआ। उनकी वजह से कुशध्वज ने मिथिला पर व्यापार के कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उनके चाचा का साम्राज्य संकश्य ही मुख्य रूप से उनके पिता के साम्राज्य के साथ व्यापार करता था, और खरीदी जाने वाली जरूरी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे थे। अधिकांश मिथिलावासी इसके लिए सीता को दोष देते थे। सब जानते थे कि सीता ने कुशध्वज की शाही मुहर तोड़ दी थी, और फिर ये परिणाम तो मिलना ही था। प्राचीन परंपरा के अनुसार शाही मुहर राजा का प्रतिनिधित्व करती थी, ये राज हत्या के बराबर था। दोष यकीनन उनकी माँ सुनैना को भी दिया जा रहा था। सभी जानते थे कि सीता को गोद लेने का निर्णय उनकी रानी सुनैना का था। मैंने उन्हें परेशानियों के अलावा कुछ दिया नहीं है, मैंने वो पल भर में तबाह कर दिया जिसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। माँ को मुझे भूल जाना चाहिए। चौक तक पहुँचने पर सीता अपने निर्णय पर और दृढ़ होती जा रही थी। किसी शाही अतिथि आने के हिसाब से भी आज वहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। एक भारी सी खाली पालकी के पास 8 आदमी खड़े थे। ये पालकी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी लंबी चौड़ी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी के लेट कर सफर करने के लिए तैयार की गई थी। बाईं ओर उन्होंने अशोक वृक्ष के इर्द गिर्द बनाए गए निचले चबूतरे के पास 8 महिलाओं को खड़े देखा। वो हर तरफ अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। वो महिलाओं की तरफ मुड़ी और उनसे अपनी माँ के बारे में पूछा। तभी उनमें से कुछ महिलाएं एक ओर हटी और रानी सुनैना दिखाई दी। सीता को जोर का आघात लगा। उनकी माँ अपनी ही परछाई लग रही थी। वो मात्र खाल और हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। उनका गोल चंद्राकार चेहरा सूख गया था और गाल अंदर धंस गए थे। वो हमेशा से दुबली पतली रही थी, लेकिन कभी भी अस्वस्थ नहीं दिखती थी। अब उनकी मांसपेशियां पूरी तरह घुल गई थी और उनके चेहरे ने रही सही वसा भी उतार दी थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। उनके घने लंबे काले बाल सफेद हो गए थे। वो बमुश्किल खुद को उठा पा रही थी। उन्हें उठने में भी सहायकों की मदद की जरूरत थी। जैसे ही सुनैना ने अपनी प्यारी बेटी को देखा, उनका चेहरा खिल गया। वो वही स्नेह भरी मुस्कान थी जिसमें सीता ने हमेशा से आराम और सहारा पाया था। मेरी बच्ची, सुनैना ने धीमी सी आवाज में कहा। मिथिला की रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके जानलेवा पीले पन्ने माँ के प्यार भरे दिल के सामने कुछ देर के लिए घुटने टेक दिए। सीता अपनी जगह पर जड़ खड़ी रही। वो चाह रही थी कि धरती फट जाती और वो उसमें समा जाए। यहाँ आओ मेरी बच्ची, सुनैना ने कहा। उनकी बाहें कमजोरी से उठ नहीं पा रही थी और नीचे ढह गई थी। सुनैना को खांसी आई। एक सहायिका ने जल्दी से दौड़कर एक रुमाल से उनका मुंह पोछा। सफेद कपड़े पर खून के लाल धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। सीता लड़खड़ाती सी अपनी माँ की तरफ बढ़ी, बेसुध। वो अपने घुटने पर गिरी और अपना सिर सुनैना की गोद में टिका दिया। वो गोद जो हमेशा से इतनी नर्म रही थी, जैसे बारिश के बाद पृथ्वी माँ की गोद, आज वो उतनी ही सख्त महसूस हो रही थी मानो उसने कितने सालों का सूखा झेला हो। सुनैना ने अपनी उंगलियां सीता के बालों में फिराई।
सीता दुख और डर से सिहर गई, जैसे एक छोटा सा कबूतर विशाल बरगद के पेड़ को देखकर हो जाता है, जिसने न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी छांव दी होती है। सीता के बालों में हाथ फिराते हुए सुनैना ने झुककर उनके माथे को चूमा और धीमे से कहा, मेरी बच्ची। सीता फूट फूट कर रो दी। मिथिला के वैद्य कड़ा विरोध जता रहे थे। इतनी कमजोरी के बाद भी सुनैना से जीतना संभव नहीं था। वो अपनी बेटी के साथ हाथी पर बैठकर जंगल की सैर जाने का आग्रह छोड़ नहीं पा रही थी। वैद्य ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने रानी के कान में फुसफुसाया, महारानी हो सकता है ये आपकी आखिरी सवारी बन जाए। और सुनैना ने जवाब दिया, इसलिए तो मेरा जाना और भी जरूरी है। रानी पालकी में आराम कर रही थी जबकि दो हाथियों को सैर के लिए तैयार किया जा रहा था। एक हाथी पर वैद्य और कुछ सहायक जाने वाले थे जबकि एक सुनैना और सीता के लिए तैयार हो रहा था। जाने के समय पर सुनैना को बैठे हुए हाथी के हौदे तक ले जाया गया। एक सहायिका ने रानी के हौदे पर चढ़ने की कोशिश की। नहीं, सुनैना ने दृढ़ता से मना कर दिया। लेकिन देवी, सहायिका ने विनती की। उसके हाथ में रुमाल और पीने के लिए पानी था। रानी को ऊर्जा के लिए खास जड़ी बूटियों की भभक सुंघाई गई थी। मेरी बेटी मेरे साथ है, सुनैना ने कहा, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। रानी ने तुरंत सहायिका से रुमाल और पानी ले लिया और हौदे पर चढ़ गई। सुनैना ने महावत को इशारा किया, जिसने अपने पैर से हाथी के कान के पीछे थपथपाया। हाथी बहुत धीरे से उठा, जिससे सुनैना को कम तकलीफ हो। चलो, उन्होंने आदेश दिया। दोनों हाथी जंगल की ओर बढ़ चले। उनके साथ मिथिला के 50 सशस्त्र सिपाही पैदल भी चल रहे थे। अध्याय 10। पशु के धीरे धीरे चलने से हौदा पालने की तरह हिल रहा था। सीता ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। महावत हाथी को पेड़ों की छांव में ही चला रहा था। इसके बावजूद भी हवा खुश्क और गर्म थी। हालांकि सीता सिहर रही थी, पछतावे से, डर से। सुनैना ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया। सीता समझ गई कि उनकी माँ क्या कहना चाहती थी। उन्होंने सुनैना का हाथ ऊपर उठाया और उनके पास सरक गई और अपनी माँ का हाथ अपने कंधों पर लपेट लिया। सुनैना संतुष्टि से मुस्कुराई और सीता के माथे को चूमा। क्षमा करना सीता, आपके पिता नहीं आ पाए, सुनैना ने कहा। उन्हें काम की वजह से घर पर ही रुकना पड़ा। वो जानती थी कि उनकी माँ झूठ कह रही थी। वो अपनी बेटी का दर्द और नहीं बढ़ाना चाहती थी। शायद ये सही ही था। सीता ने गुस्से में पिछली बार मिथिला जाने पर जनक से कह दिया था कि उन्हें आध्यात्म में समय बर्बाद न करके शासन चलाने में सुनैना की मदद करनी चाहिए, कि यही उनका कर्तव्य था। सीता के विस्फोट से पिता से ज्यादा सुनैना नाराज हुई थी। और सीता की 4 वर्षीय बहन उर्मिला की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। माँ के श्वेत केतु के गुरुकुल में आने पर जनक शायद उर्मिला की देखभाल करने के लिए घर पर ही रह गए होंगे। सुनैना इतनी बीमारी में भी यहाँ आई थी, अपनी परेशान करने वाली बड़ी बेटी से मिलने के लिए और उसे वापस घर ले जाने के लिए। सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पछतावे का एक और आंसू उनके आंखों से लुढ़क गया। सुनैना ने खांसी की। सीता ने जल्दी से रुमाल से अपनी माँ का मुंह पोंछा। उन्होंने कपड़े पर लाल धब्बे देखे, उनकी माँ के धीरे धीरे मौत के मुंह में समाने की निशानी। आंसू तेज धारा के रूप में बहने लगे। सभी को किसी न किसी दिन मरना है मेरी लाडली, सुनैना ने कहा। सीता रोती रही। लेकिन खुशकिस्मत वही होते हैं जो अपनों के बीच मरते हैं। दोनों हाथी अपने कुशल महावतों के संचालन में अपनी जगह पर स्थिर थे। मिथिला के 50 सैनिक भी खामोशी से खड़े थे। वहां सुनाई दे रही हल्की सी आवाज खतरे का इशारा कर रही थी। 10 मिनट बाद सुनैना ने वो दृश्य देखा जो मनुष्य की आंखों के लिए विरला था। हाथियों के बड़े से झुंड में बूढ़ी माँ की मृत्यु। सीता को हाथियों के झुंड पर पढ़ाया गया अपनी माँ का सबक याद था। वे महामाता के पीछे चलते थे, जिसकी अगुआ सबसे बड़ी मादा हाथी होती थी। अधिकांश झुंडों में वयस्क मादाएं उनके नर और मादा बच्चे होते थे, जिनका सामान्य रूप से पोषण किया जाता था। नर हाथियों को अक्सर समय आने पर झुंड से निष्कासित कर दिया जाता था। महामाता उस समूह के लिए किसी नेता से ज्यादा अहमियत रखती थी। वो उन सबकी माँ होती थी, इसलिए महामाता की मृत्यु पूरे समूह के लिए सबसे दर्दनाक घटना होती थी। इस दुख की कल्पना की जा सकती थी। मुझे लगता है ये वही समूह है जो हमने कुछ साल पहले देखा था, सुनैना फुसफुसाई। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। वो एक सुरक्षित दूरी से देख रहे थे पेड़ों के पीछे से छिपकर। हाथी महामाता के मृत शरीर के पास घेरा बनाकर खड़े थे, शोकग्रस्त, बिना हिले, शांत। दोपहर की सौम्य हवा उस सभा पर पड़ती सूरज की सख्त किरणों से राहत देने की कोशिश कर रही थी। हाथी के 2 बच्चे घेरे के अंदर खड़े थे मृत शरीर के पास। एक छोटा था, दूसरा जरा बड़ा। हमने उस छोटे वाले को पैदा होते देखा था सीता, सुनैना ने कहा। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। सीता को महामाता के बच्चे का जन्म याद था,
जिसे उन्होंने कुछ साल पहले अपनी माँ के साथ यूं ही हाथी पर घूमते हुए देखा था। आज वो बच्चा नर हाथी अपनी मृत माँ के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी सूंड माँ की सूंड से गुथी थी, उसका शरीर कांप रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी सूंड से माँ की लाश को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसी के पास उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, शांत स्थिर समूह के दूसरे सदस्यों की तरह। अब देखो, सुनैना फुसफुसाई। एक वयस्क मादा हाथी धीरे धीरे लाश की तरफ आई। वो शायद समूह की नई महामाता थी। उसने अपनी सूंड बढ़ाकर पूरे सम्मान से मृत शरीर का माथा छुआ, फिर उसने मृत शरीर के गिर्द चक्कर लगाया और वहां से चली गई। घेरे में खड़े दूसरे हाथी ने भी एक एक करके अपनी नेता का अनुसरण किया। वही दोहराते हुए अपनी सूंड से भूतपूर्व मृत महामाता का माथा छुआ और उसके गिर्द चक्कर लगाकर वहां से चल दिए, पूरे सम्मान से, पूरे आदर से। उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। छोटा नर हाथी हालांकि वहां से हटने से इनकार कर रहा था, वो अपनी माँ से चिपका रहा अधीरता से। वो लाचारगी से उसे खींचने की कोशिश करता रहा। उसकी बहन शांति से उसके पास खड़ी थी। बाकी का समूह एक दूरी पर जाकर रुक गया, बिना पीछे मुड़े, सब्र से वो इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बहन ने अपने छोटे भाई को अपनी सूंड से छुआ। नर बच्चे ने उसे हटा दिया। वो नई ऊर्जा से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से अपनी सूंड को माँ की सूंड पर लपेट दिया और जोर लगाकर खींचने लगा। वो फिसला, फिर से उठ खड़ा हुआ, अपनी माँ की सूंड पकड़ी और खींचने लगा और जोर से। उसने मनुहार करती नजरों से अपनी बहन को देखा, उसकी मदद मांगते हुए। फिर जोर से रोते हुए अपनी माँ की तरफ मुड़ा, उससे खड़े होने की उम्मीद करते हुए। लेकिन उसकी माँ अब गहरी नींद में सो चुकी थी। वो अब अपने अगले जीवन में ही उठने वाली थी। बच्चा हार मानने को तैयार नहीं था। पहलू बदलते हुए वो अपनी माँ की सूंड खींचे जा रहा था बार बार। आखिरकार बहन माँ की लाश के पास आई और अपनी सूंड से उसका माथा छुआ, जैसे कि दूसरों ने किया था। फिर उसने अपनी माँ के शरीर के गिर्द चक्कर लगाया। वो अपने भाई के पास आई, उसकी सूंड उठाई और उसे वहां से खींचने की कोशिश की। नर बच्चा दिल तोड़ने वाली आवाज में रो रहा था। वो अपनी बहन के पीछे गया, लेकिन पीछे देखता रहा बार बार मुड़ मुड़ कर। हालांकि अपनी बहन के साथ जाते हुए वो कोई विरोध नहीं कर रहा था। बहन झुंड के दूसरे लोगों की तरह स्थिरता से आगे बढ़ती रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। सीता ने अपनी माँ को देखा, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। समाज चलता रहता है मेरी बच्ची, सुनैना फुसफुसाई। देश चलते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है जैसे वो चलनी चाहिए। सीता कुछ नहीं बोल सकी, वो अपनी माँ को नहीं देख पा रही थी। उसने सुनैना को कसकर पकड़ लिया, उनकी छातियों में अपना सिर छिपाते हुए। दर्द भरी यादों से चिपके रहना बेकार है सीता, सुनैना ने कहा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको जीना होगा। सीता सुन रही थी, लेकिन उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समस्याओं और चुनौतियों से भागने की कोई राह नहीं है, वो जीवन का हिस्सा है। मिथिला को अनदेखा करने का ये मतलब नहीं कि परेशानियां गायब हो जाएंगी, इसका यही मतलब है कि कोई दूसरी चुनौती आपके सामने आएंगी। सीता ने अपनी माँ को और कसकर पकड़ लिया। भागना कभी भी कोई हल नहीं होता, अपनी समस्याओं का सामना करो, उन्हें संभालो, यही योद्धाओं का तरीका है। सुनैना ने सीता की ठोड़ी उठाई और उनकी आंखों में देखा। और आप एक योद्धा हो, ये बात कभी मत भूलना, सीता ने हाँ में सिर हिलाया। आप जानती हैं कि आपकी छोटी बहन कमजोर ही पैदा हुई थी, उर्मिला योद्धा नहीं है, आपको ही उनका ध्यान रखना होगा सीता, और आपको ही मिथिला की देखभाल करनी होगी। सीता ने मन ही मन एक वादा कर लिया, हाँ मैं करूंगी। सुनैना ने सीता के चेहरे पर हाथ फिराया और मुस्कुराई। आपके पिता हमेशा आपको प्यार करते हैं, आपकी छोटी बहन भी, इसे याद रखना, मैं जानती हूँ। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ आपको प्यार ही नहीं करती सीता, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि हमारे परिवार का नाम कई सदियों तक जीवित रह पाए, आप ही इतिहास बनाओगी। सीता ने गुरुकुल में अपनी माँ को देखने के बाद से अपने पहले शब्द कहे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं। सुनैना ने मुस्कुराकर सीता को कसकर गले लगा लिया। माफ, सीता ने सुबकते हुए कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ऐसा जीवन जियोगी जिससे मुझे आप पर गर्व होगा, लेकिन मैं आपके बिना नहीं जी सकती माँ। सुनैना ने सीता को पीछे खींचकर उनका चेहरा ऊपर उठाया। आप जी सकती हो और आप जियोगी, नहीं मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। सुनैना के भाव दृढ़ थे। मेरी बात सुनिए सीता, आप अपना जीवन मेरा शोक बनाते हुए बर्बाद नहीं करेंगी, आप बुद्धिमानी से जिएंगी और मुझे आप पर गर्व होगा। सीता रोती रही,
अतीत को मत देखो, भविष्य को देखो, अपना भविष्य बनाओ, अपने अतीत पर मलाल मत करो। सीता में बोलने की ताकत नहीं थी, मुझे वचन दो। सीता ने अपनी माँ को देखा, उनकी आंखें छलछला रही थी। मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ माँ, मैं वचन देती हूँ। सुनैना को श्वेत केतु के गुरुकुल में गए 4 सप्ताह बीत चुके थे। सीता अपनी माँ के साथ घर लौट आई थी। सुनैना सीता को मिथिला की प्रधानमंत्री बनाने की जुगत लगा रही थी, साम्राज्य के प्रशासन की सारी शक्तियों को मिलाते हुए। सीता अब अपना अधिकांश समय सुनैना के साथ बिता रही थी, अपनी माँ के गिरते स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। सुनैना अपने निजी शिविर में बिस्तर पर लेटे हुए ही साम्राज्य के मंत्रियों के साथ सीता की सभाओं का संचालन कर रही थी। सीता जानती थी कि सुनैना उनकी छोटी बहन के साथ संबंधों को लेकर खास सजग थी, इसलिए सीता भी उर्मिला के साथ प्रभावशाली संबंध बनाने को लेकर सतर्क रहती थी। मिथिला की रानी चाहती थी कि उनकी बेटियों में मजबूत रिश्ता रहे, जिससे आगे के मुश्किल सालों में उन्हें मदद मिले। सुनैना ने उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े रहने की जरूरत के बारे में भी बताया था और उनके आपसी प्यार और भरोसे पर भी चर्चा की थी। एक शाम सुनैना के शिविर में लंबी मुलाकात के बाद सीता उर्मिला के कक्ष में गई। उर्मिला का कक्ष अपनी माँ के शिविर के सामने ही था। सीता ने एक सहायिका से बर्तन में काले अंगूर लेकर आने को कहा। उर्मिला को काले अंगूर पसंद थे। सहायिका को बाहर भेजकर बर्तन अपने हाथ में लेकर वो कक्ष में गई। कक्ष में मध्यम रोशनी थी, सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वहां थोड़े से दिए जल रहे थे। उर्मिला वो बिस्तर पर नहीं थी। सीता अपनी बहन को ढूंढने लगी। वो बड़े छज्जे पर गई जहां से महल का बगीचा दिखाई देता था। वो कहां है? वो वापस कक्ष में आई। मध्यम रोशनी से वो खिन्न थी और किसी को दिए जलाने का आदेश देने ही वाली थी कि उन्हें कोने में कोई गठरी बना बैठा दिखाई दिया। उर्मिला, सीता उनकी तरफ बढ़ी। उर्मिला कोने में बैठी थी, अपनी घुटने छाती से सटाए, उनका सिर नीचे घुटनों पर था। सीता ने तुरंत अंगूर की थाली एक और रख दी और जमीन पर उर्मिला के सामने बैठ गई। उन्होंने अपनी छोटी बहन को बाहों में भर लिया। उर्मिला, उन्होंने प्यार से कहा। उर्मिला ने चेहरा उठाकर अपनी बड़ी बहन को देखा। उनके आंसुओं से भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। दीदी, मुझे बताओ बेटा, सीता ने कहा। क्या? सीता ने उर्मिला के कंधे हल्के से दबाए। हाँ। क्या माँ हमें छोड़कर स्वर्ग जाने वाली है? सीता ने मुश्किल से थूक निकला। वो चाह रही थी कि काश माँ यहाँ होती इस सवाल का जवाब देने के लिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बहुत जल्द सुनैना वास्तव में वहाँ नहीं होगी। उर्मिला उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें ही उर्मिला के हर सवाल का जवाब देना होगा। नहीं उर्मिला, माँ हमेशा यहाँ रहेंगी। उर्मिला ने उन्हें देखा दुविधा से, आशा से। लेकिन सब मुझे बता रहे थे कि माँ दूर चली जाएंगी, कि मुझे उनके बिना हर कोई वो नहीं जानता जो तुम और मैं जानते हैं। उर्मिला, माँ बस दूसरी जगह रहेंगी, वो अब इस शरीर में नहीं रहेंगी। सीता ने उर्मिला के दिल की ओर इशारा किया और फिर अपने। माँ इन दोनों जगहों पर रहेंगी, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, और जब भी हम दोनों साथ होंगे वो पूर्ण हो जाएंगी। उर्मिला ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, फिर उन्होंने सीता को देखा। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। उर्मिला, अपनी आंखें बंद करो। उर्मिला ने वही किया जो उनकी बड़ी बहन ने कहा। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो मुस्कुराई। मुझे माँ दिखाई दे रही हैं। वो मुझे पकड़ रही हैं। मेरा चेहरा सहला रही हैं। सीता ने अपनी उंगलियां उर्मिला के चेहरे पर फिराई। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और खुलकर मुस्कुरा दी। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उर्मिला ने सीता को कसकर पकड़ लिया। दीदी, अब हम दोनों ही हमारी माँ हैं। जिंदगी का मेरा सफर अब पूरा होने वाला है, सुनैना ने कहा। सीता और सुनैना रानी के शिविर में अकेले थे। सुनैना बिस्तर पर लेटी हुई थी, सीता उनके पास उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। माँ, मैं जानती हूँ कि मिथिला में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। माँ, कुछ बेवकूफों की बातों की चिंता मत, मुझे अपनी बात कहने दो मेरे बच्चे, सुनैना ने सीता का हाथ दबाते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि वो सोचते हैं कि मेरी सारी उपलब्धियों पर पिछले कुछ सालों में पानी फिर गया, जब से कुशध्वज ने हमारे साम्राज्य को चूसना शुरू किया। सीता को अपने पेट में उसी पछतावे का एहसास हुआ। वो तुम्हारी गलती नहीं है, सुनैना ने जोर देते हुए कहा। कुशध्वज को कोई बहाना चाहिए था हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, वो मिथिला को हड़पना चाहते थे। आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ? सुनैना अपनी बेटी के उत्तेजित स्वभाव को जानती थी। कुशध्वज के लिए कुछ नहीं, वो आपके पिता के भाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम रोशन करें। सीता खामोश रही। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इस दुनिया में अपने साथ कुछ नहीं लेकर आता और ना ही वापस लेकर जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। हम अपने कर्म अपने साथ लाते हैं और अपने पीछे अपनी प्रतिष्ठा नाम छोड़कर जाते हैं। मैं अपने नाम को रोशन देखना चाहती हूँ सीता, और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए वो करें। मैं चाहती हूँ कि आप मिथिला को समृद्ध बनाएं। मैं बनाऊंगी माँ, सुनैना मुस्कुराई। और एक बार जब तुम ये कर दो तो तुम्हें मिथिला छोड़ने के लिए मेरी इजाजत होगी। माँ, मिथिला आपके जैसे किसी के लिए भी बहुत छोटा स्थान है सीता। आप और महान चीजें करने के लिए दुनिया में आई हैं। आपको उसके लिए बड़े मंच की जरूरत है।
शायद भारत आपका मंच होगा या शायद आप इतिहास रचेंगी। सीता ने सुनैना को मलय पुत्रों द्वारा उन्हें अगला विष्णु बनाए जाने की बात बताने के बारे में सोचा और उन्होंने कुछ ही पलों में अपना फैसला कर लिया। मुख्य पंडित सीता के पास आए, अपने दाहिने हाथ में मशाल पकड़े हुए, बाकी पंडित पीछे एक पंक्ति में खड़े हुए गरुण पुराण से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। समय आ गया है देवी, सीता ने उनकी तरफ सिर हिलाया। सुनैना की मृत्यु के बाद से ही उर्मिला का रोना बंद नहीं हुआ था। उन्होंने दोनों हाथों से सीता की बांह पकड़ी हुई थी। सीता ने अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उनकी बहन और मजबूती से उनसे लिपट गई। सीता ने अपने पिता को देखा जिन्होंने आगे आकर उर्मिला को गोद में उठा लिया और अपनी बड़ी बेटी के पीछे खड़े हो गए। जनक भी उर्मिला की तरह बहुत व्यथित नजर आ रहे थे। उन्होंने अपना इंसानी सुरक्षा कवच खो दिया था जो उनके दार्शनिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में उनके सम्मुख ढाल बनकर खड़ा था। वास्तविकता ने बड़ी बेरहमी से उनके जीवन पर वार किया था। सीता पंडित की तरफ मुड़ी और उनके हाथ से मशाल ले ली। सीता को गुरुकुल गए महज 3 महीने ही हुए थे। सीता चाह रही थी कि उन्हें सुनैना के साथ बिताने के लिए कुछ और समय मिल पाता, उनसे सीखने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ईशावास स्योपनिषद में से पंडितों का मंत्रोच्चार सुनकर वो आगे बढ़ी। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, इस अस्थाई शरीर को जलकर भस्म होने दो, लेकिन प्राणात्मा तो पारलौकिक है, उसे अनश्वर सांसों में समा जाने दो। सीता चंदन की चिता की तरफ बढ़ी जहाँ उनकी माँ का शरीर रखा गया था। उन्होंने आंखें बंद कर अपनी माँ का चेहरा देखा। वो नहीं रोएंगी, यहाँ नहीं, सबके सामने नहीं। वो जानती थी कि बहुत से मिथिलावासी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी माँ की खराब हालत का जिम्मेदार उनके गुरुकुल के सफर को ही मान रहे थे। वो जानती थी कि कुशध्वज की तरफ से मिल रही तकलीफों का भी जिम्मेदार उन्हें ही माना जाता था। उन्हें मजबूत रहना होगा अपनी माँ के लिए। उन्होंने अपनी दोस्त समीची को देखा जो वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उन्हीं के पास राधिका खड़ी थी, गुरुकुल की उनकी दोस्त। उन्हें अपने समर्थकों को देख बल प्राप्त हुआ। उन्होंने वह जलती ही मशाल चिता पर रख दी। घी में डूबी लकड़ियों ने तुरंत ही आग पकड़ ली। चिता ओज से रोशन हो गई मानो अग्नि खुद उस महान आत्मा का सम्मान कर रही हो। अलविदा माँ, सीता पीछे आ गई और आसमान को देखा, उस भगवान ब्रह्म को। अगर कोई मोक्ष के काबिल है तो वो मेरी माँ है। सीता को महामाता हाथी के शोक पर कहे अपने माँ के शब्द याद आए। अतीत को मुड़कर मत देखना, भविष्य को देखना। सीता चिता को देखते हुए गुदगुदाई, मैं पीछे देखूंगी माँ, मैं कैसे ना देखूं, आप मेरी जिंदगी हो। उन्हें अपनी माँ से की हुई आखिरी बात याद आई। सुनैना ने सीता को चिताया था कि अगर उन्हें विष्णु होने की अपनी नियति को जीना है तो मलय पुत्रों या वायु पुत्रों किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करना है। दोनों प्रजातियों का अपना मकसद है, उन्हें साझेदार की जरूरत होगी। माँ की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, ऐसा साथी ढूंढना जिस पर तुम भरोसा कर सको, जो तुम्हारे मकसद के प्रति वफादार रहे। निजी वफादारी जरूरी नहीं है लेकिन मकसद के प्रति जरूर वफादार होना चाहिए। सीता को अपनी माँ का आखिरी वाक्य याद आ रहा था, मेरी नजर हमेशा आप पर होगी, मुझे गर्वित करना। सीता ने गहरी सांस ली और अपनी मुठ्ठियां भींच कर शपथ ली, मैं जरूर करूंगी माँ, जरूर। पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे के अध्याय अगली वीडियो में पढ़े जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।